Hello friends, welcome back. In my previous video, I have explained you about coal, mineral oil or mineral gas. In this video, I am going to explain you about biogas, energy from waste material and atomic energy. Okay, now here you can see, before that you need to copy down these new words. First one, phases, any global, splitting, domestic, biogas, segregate. These five words you need to copy down into your notebook. Okay. And write it five times each word. Okay. Now look here. Biogas. Biogas. Actually, biogas can be generated from biotic waste. Biotic waste material like feces of animals, dead leaves, and shells. ये जो गोबर गैस जिसे कहेंगे या बायोगैस जिसे कहेंगे, बायोगैस का निर्माण या इसके जनरेट, इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो इसमें क्या क्या मटेरियल होता है? वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि फेसेस ऑफ एनिमल्स, यानी गोबर, गाय का, भैंस का जो भी गोबर है या वेस्ट, देन डेड लीव्स यानी जो सूखे पत्ते जो होते हैं पेड़ के, एंड शेल्स. तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस मटेरियल यू कैन जनरेट पावर. नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर डोमेस्टिक नीड्स. इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कुकिंग, हीटिंग, वाटर, लाइटिंग, लैंप, जो भी हम आज इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे कि जो भी हीटिंग के लिए या कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, तो उसका प्रयोग हम करते हैं. नेक्स्ट, सम फार्मर्स हैव रेज्ड बायोगैस प्लांट्स देयर ओन. कुछ ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने खुद का बायोगैस को क्या क्या रिस्क किया है. ओके, सो दिस इज अबाउट द बायोगैस. नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल आप सबको पता है, वेस्ट इज जनरेटेड ऑन वेरी हाई स्केल एंड बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज. और जो बड़े बड़े शहर लाइक दिल्ली है, मुंबई है ना, ऐसे बड़े बड़े शहरों में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ज्यादा पैमाने में होता है. और उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के सामने या वो भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ये कि इसको कैसे डिस्पोज कैसे किया जाए. ओके, सो डिस्पोजल इज अ मेजर प्रॉब्लम इन जो सिटीज, जो सिटीज है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वो शहरों में डिस्पोजिशन, जो वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल कैसे करें, ये बहुत बड़ी समस्या वहां पर होती है. सो सेग्रेटेड टू यूज द बायोटिक कॉम्पोनेंट टू जनरेट गैस. फिर उसमें से अलग किया जाता है. सेग्रेटेड मीन्स वो अलग करना. टू यूज द बायोटिक कॉम्पोनेंट टू जनरेट गैस, उसके जरिए हम गैस का निर्माण कर सकते हैं. इससे रिलेटेड एक फिगर जो है आपके बुक में दिए वाई है. एंड दिस गैस कैन बी यूज फॉर पावर. इन फ्यूचर दिस मे हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट. भविष्य में शायद ये जो डिस्पोजल है ये वेस्ट मटेरियल डिस्पोजल के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है. नेक्स्ट वन, एटॉमिक एनर्जी. स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स ऑफ मिनरल्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम कैन बी यूज फॉर पावर जनरेशन. देखो, स्प्लिटिंग ऑफ पावर एटम्स ऑफ मिनरल्स जैसे कि यूरेनियम है और थोरियम है. ओके, इसका प्रयोग हम किसके लिए कर सकते हैं? पावर जनरेशन के लिए. एंड इन दिस प्रोसेस यूजिंग वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिनरल. ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत छोटा सा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिनरल प्रयोग किया जाता है पावर जनरेशन के लिए. एनर्जी कैन बी जनरेटेड इन वेरी लास्ट. ये अगर इसका स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्मॉल वेरी स्मॉल क्वांटिटी अगर इसकी ली तो इससे पावर बहुत ज्यादा जनरेट हो सकती है. और इससे ये जो एटॉमिक एनर्जी है इससे ये कुछ ही देश इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि वेरी फ्यू कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएसए, रशिया, फ्रांस, जापान. ओनली दिस कंट्रीज वेर यूजिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी. यही कुछ देश है जो यूज करते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द बायोगैस, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल एंड एटॉमिक एनर्जी. यू नीड टू कॉपी डाउन दिस इनटू योर नोटबुक एंड लर्न इट प्रॉपरली दैट गिवन वर्ड्स. ओके, थैंक यू.